हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। अब यार एसएससी जेई का जो पेपर है सबसे पहले 9 तारीख को होने वाला है, मंडे को। तो यानी अब आज से सिर्फ आपके पास 2 दिन बचे हैं। तो इस 2 दिन में आप क्या करोगे उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है इसके बारे में भी बात करेंगे। और आपको पैनिक नहीं होना है कि इस 2 दिन को आप किस तरीके से यूटिलाइज़ करोगे। सबसे मेन बात क्या होती है कि यार आप किसी एग्ज़ाम के लिए जब आप तैयारी करते हो तो लास्ट जब डे आने लगता है, जब 1-2 दिन एग्ज़ाम को रह जाता है, तो बहुत ज़्यादा घबराहट होती है क्या होगा। तो सबसे पहली बात, आप पेशेंस बनाए रखो, कोई डरने की बात नहीं है। आपने अगर मॉक दे रखा है, पूरा 5 से 7-8 मॉक दे रखा है, अपने आप को चेक किए होगे आप रिवीजन डेली कर रहे हो, तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए यार कि पेपर चाहे जिस हद का आएगा हम अटेम्प्ट कर लेंगे। सबसे बड़ी बात यही होती है, जैसे पेपर आप एसएससी जेई का जो पेपर आप दोगे, मैकेनिकल की अगर मैं बात करूँ तो मैंने उसमें पहले भी आपको पिछले बहुत सारे उस वीडियो में मैंने आपसे बोला है कि आपको यार क्वेश्चन मैकेनिकल में ज़्यादा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपका पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 100 क्वेश्चन तक विजिट कर पा रहे हो और आपको 80 क्वेश्चन जब सही करने हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या होता है कभी कभी, जैसे एसएससी जेई का पेपर में कुछ अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या लेबल आएगा। लेबल थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि जैसे शुरुआत के क्वेश्चन आप इस टेक्निकल आपने शुरू किया, टेक्निकल जैसे ही आपने शुरू किया और आपसे क्या हुआ कि पहला क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन नहीं है, कभी कभी होता है कि तीसरा क्वेश्चन भी नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं। उन 3 क्वेश्चनों को यार स्किप करो, और हर एक क्वेश्चन में, मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकेंड। यार दोबारा लौट के आएंगे हम, 100 क्वेश्चन पूरा पहले विजिट करना ज़रूरी है। क्या पता शुरुआत में वो क्वेश्चन आपका जो आपके हार्ड क्वेश्चन वो पहले आ गए, क्या पता बाद के सारे क्वेश्चन आपके सिंपल। तो आपको पहले क्वेश्चन, मान लो होता है, बहुत बार होता है कि पहला क्वेश्चन आपका नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तीसरा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, आपको स्किप करते जाना है। एक बार जब आपके क्वेश्चन सही होने लगे, क्या पता 5वें के बाद आप 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पूरे सही कर लो, ऐसा होता है, तो आपको फिर वहां से कॉन्फिडेंस आएगा। और फिर आप जब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे ना, क्या पता शुरुआत के ही 4-5 क्वेश्चन टफ रहे हो, बाकी आप जो 10 के बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 7 क्वेश्चन के बाद अटेम्प्ट कर रहे हो, वो आपका पेपर काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो बीच बीच में मैंने आपको पहले भी बताया कि बीच बीच में वो जानबूझ के न्यूमेरिकल डालते हैं, और वो न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होता है, वो न्यूमेरिकल कभी कभी तो सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है और उससे निकल जाएगा, कभी कभी वो जानबूझ के उसमें न्यूमेरिकल ऐसे डाल देते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन होती है। उन क्वेश्चनों को आप बचना है, नहीं अटेम्प्ट करना है। जैसे बहुत बड़ा फॉर्मूला, जैसे मैं बता दूं, अगर थर्मोडायनेमिक्स में वो स्टडी फ्लो पे एक क्वेश्चन दे दें, स्टडी फ्लो इक्वेशन पे क्वेश्चन दे दें कि आप पूरा लगा रहे हो H1+V1² / 2G + Q, अब इस पे अगर वो क्वेश्चन दे दें, आपको अटेम्प्ट नहीं करना है इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना है। पहली बार आप पहले जाके, मेरा तो यही मानना है कि सबसे पहले अगर आप देख रहे हो कि जैसे कॉन्टिन्यूटी पे क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, Q = AV पे कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो न्यूमेरिकल का। लेकिन आप जहां पे देख रहे हो कि आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, या आपके जो आंसर आ रहे हैं वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहे हैं, इंटीजर में आते हैं, तो समझ में आता है कि कैलकुलेट कम करना पड़ेगा, लेकिन आप देख रहे हो जब पॉइंट में आ रहे हैं आंसर, तो उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो पहली बार। सबसे पहली बात, ज़्यादातर मैक्सिमम आप थ्योरी अटेम्प्ट करो क्वेश्चनों की, कि एक बार जब आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे ना, तो आपको लग ही जाएगा कि यार पहली बार में आप कम से कम 70 क्वेश्चन आप कर लोगे, और ये आप कर सकते हो, आपने अगर मॉक भी दिया होगा तो आपकी प्रैक्टिस भी हुई होगी कि आप यार 40 मिनट में आप क्वेश्चनों को, मतलब 70-80 क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि 1-liner क्वेश्चन आते हैं। ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ये लोगों को नहीं पता होता है, वो ईगो पे ले जाते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी साथ में अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन से बचो, क्योंकि जिसमें कैलकुलेशन होगा, क्या पता इसकी जगह पे आप 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हो। इसमें आपने 5 मिनट अगर दे दिए,
तो आपका समझो कि पेपर खराब होने की स्थिति में आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर न्यूमेरिकल में दे रहे हो तो एक मिनट, इससे ज्यादा देने की जरूरत है ही नहीं। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी यार। वहां पे पेपर आपको 200 अटेम्प्ट करना है, इस चीज को आप ध्यान से रखो। आप सबसे पहले, पहला तरीका क्या है कि सबसे पहले आप जो थ्योरी क्वेश्चन है, जो वन लाइनर के क्वेश्चन है, एक बार विजिट कर जाओ पूरा। जो आपको लग रहा है कि यार इसमें डाउट है, छोड़ दो उसको। मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, आपकी 40 मिनट में, आप 35 से 40 मिनट में आप कम से कम 70 से 75 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हो। फिर 10 से 15 मिनट आप वापस आओ टेक्निकल में। फिर आपको जो लग रहा है कि न्यूमेरिकल यार ये थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन कम है, उसको आप अटेम्प्ट करो। यार जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है, उनको कि दो ऑप्शन आपको आ रहे हैं। और एक बात और, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं और दो ऑप्शन आपको पता है कि इन दोनों में से यार एक होगा और आप कंफर्म नहीं हो, तो उसमें आप रिस्क ले सकते हो। 1/4 मार्किंग, पहले 1/3, तब अगर 1/3 होता तो मैं आपसे नहीं बोलता रिस्क के लिए, लेकिन जब 1/4 मार्क है ना तो आप रिस्क ले सकते हो। ऐसा कि जैसे चार ऑप्शन है और आपको दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दियो और दो ऑप्शन बचा है, तो आप वहां पर ले सकते हो। तो पेपर को इस तरीके से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्यों, एक फायदा और मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप टेक्निकल के न्यूमेरिकल में, जैसे कभी कभी क्या होता है, वो मैनोमेट्रिक इफिशियंसी पूछ लेता है, हाइड्रोलिक इफिशियंसी पूछ लेता है, रो क्यू जी एच की, इन सब की वैल्यू दे के आपसे लंबा कैलकुलेशन कराता है, इसकी बजाय आप अगर रीजनिंग में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे तो आप कर ले जाओगे। तो ये सब बातें हैं, आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। मैं आपको बता रहा हूं ये फैक्ट है। टाइम वेस्ट होता है, वो जानबूझ के 5 क्वेश्चन के बाद, 6 क्वेश्चन के बाद वो न्यूमेरिकल देते हैं, आपको नहीं अटेम्प्ट करना है पहली बार। हाँ, सिंपल है, वन लाइनर है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे है और उस पर देख रहे हो आप ऑप्शन देख के कि फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं आ रहा, वो किसी से मतलब सिंपल कैलकुलेशन है। कभी कभी कंटिन्यूटी इक्वेशन पे आता है, जो डायरेक्ट होता है उसको कर लो, आप उसको पहली बार में ही कर लो। आपको मेन टारगेट, आपको 100 क्वेश्चन आपको टेक्निकल में अटेम्प्ट होना है। और वो ऐसे होगा कि जब आप देखोगे कि यार इसमें हम देंगे न्यूमेरिकल में ज्यादा समय लग रहा है, उसको छोड़ दो, स्किप करो, उसको वापस आके करेंगे। कभी कभी क्या होता है, आपको फॉर्मूले भी आते रहेंगे, आपको सब फॉर्मूले, जैसे मैनोमेट्रिक इफिशियंसी का आपको फॉर्मूला भी पता होगा, सब वैल्यू पता होगी कि यार जी की एच एम मैनोमेट्रिक हेड दे रखा है, वर्ल्ड वेलोसिटी दे रखा है और ये ब्लेड वेलोसिटी दे रखा है। तब भी अगर ये फ्रैक्शन में आपने देखा कि ऑप्शन में, मत करो इसको, पहले आप सारे क्वेश्चन आगे थ्योरी वाले कर लो। ये लगता है कि आपको पता है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन है ना। यहां आप चले जाओगे 2 से 3 मिनट खत्म करोगे, 2 से 3 मिनट में वहां आप 5 क्वेश्चन कर ले जाओगे। ये पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बता रहा हूं। आपने मॉक दिया होगा, आप उसमें कौन सा पहले सेलेक्ट करते हो वो आपकी मर्जी है। या पहले टेक्निकल करना पसंद करोगे, या फिर आप रीजनिंग करना पहले वो करोगे, कि पहले आप रीजनिंग कर रहे हो टेक्निकल में, वो आपकी चॉइस है। लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, कितना टाइम देना है किसी भी क्वेश्चन में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि कभी कभी क्या रहता है कि जैसे ये वैल्यू दे दी और आपको पता है कि यार फॉर्मूले भी आपको पता है, लेकिन आप देखोगे कि यार उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट मत करो, उसको वापस आके करना। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के चक्कर में आप 5 क्वेश्चन अपना गवा दोगे। आप अगर इस क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट भी दे दिए ना, तो आप थ्योरी वाले क्वेश्चन 4 क्वेश्चन वहां से उड़ा सकते हो। सेम मार्क्स का है यार, ऐसा भी नहीं है कि आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, नहीं, वो भी 1 मार्क्स का ही है। तो आप जब पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे, वापस आके इसको आप अटेम्प्ट करो। ये गलती बहुत होती है, ये आप समझो इस बात को। मैं इसलिए आज बता रहा हूं कि अब ये गलती आप वहां पे मत करना कि आप ईगो पे ले गए और न्यूमेरिकल, आपको मैं बता रहा हूँ ना, आपको फॉर्मूले भी पता होंगे, सारे फॉर्मूले आपको पता होंगे और आपको वो कैलकुलेशन की यार ये तो हो जाएगा, नहीं, पहले आप अटेम्प्ट कर लो, बाकी बाद में आके अप्रोक्सीमेशन लेके करना, न्यूमेरिकल भी अटेम्प्ट हो जाएगा। एक बार जब आप 30 से 35 से 40 मिनट में आप जब 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो ना, तो आपको भी कॉन्फिडेंस खुद में आ जाता है कि यार अब न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। और अगर बीच में आपने फंस गया, आप 5 मिनट वहां दे गए, तो आपको एक डर और लगेगा, यार मेरा पेपर छूट जाएगा। तो ये गलती आप भूल के भी मत करना कि किसी क्वेश्चन में आप वहां पे 3 से 4 मिनट दे रहे हो, नहीं, पहले
फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 100 क्वेश्चन अगर जा रहे हो तो पहले विजिट में आप पूरा पेपर कर देख लो एक बार, आपको लग जाएगा यार कि वहां पे ये क्वेश्चन वापस आके हमसे हो जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा आपको इसके बारे में पता है या नहीं। कभी कभी दो स्टेटमेंट भी दे देता है, दो स्टेटमेंट में भी दे देता है, अगर आपको लग रहा है उसमें टाइम लग रहा है छोड़ दो पहली बार में, उसको दोबारा आके अटेम्प्ट करना। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि जब आप फर्स्ट विजिट में 100 क्वेश्चन आप टेक्निकल अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आप 1 से 100 तक गो थ्रू हो, उसमें से 100% मैं आपको बता रहा हूं कम से कम 60 से 60 मतलब 65 क्वेश्चन या 65 to 70 क्वेश्चन आपके एक बार में देखने से हो जाएगा, और वो कितने में 35 से 40 मिनट लगेगा आपको। बाकी आप 10-15 मिनट में जो अच्छे क्वेश्चन है उनको पढ़ो, आप आंसर करो। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन के ट्रैप में नहीं फंसना है आपको, कि आपको वो बहुत अच्छे सिंपल फॉर्मूले देगा, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पे फॉर्मूले दे देगा, V1² / 2GH1+ इस पे करके आप फॉर्मूले भी रखोगे, आपको लगेगा यार ये तो फॉर्मूला आता है हम छोड़ नहीं सकते, नहीं वो आपको कैलकुलेशन में फंसा देगा, तो वो काम नहीं करना है। अब रीजनिंग की बात भी मैं बताऊं, रीजनिंग में क्या होता है कि रीजनिंग में कभी कभी जो आपके ये न्यूमेरिकल वाले होते हैं उसमें आपका समय ज़्यादा लगता है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से कोई सीरीज बना देते हैं तो इसमें टाइम जाता है, इसमें टाइम जाता है, कभी कभी आप जो सोच रहे हो वो नहीं बन पाता है, तो उसमें भी आपको टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। इसमें भी आप पहले जो जो क्वेश्चन बनते जा रहे हैं उनको अटेम्प्ट करो, इनको वापस आके करेंगे, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी जो मतलब आपसे टाइम लेगा ना, टाइम टेकन होगा, वो ऐसे क्वेश्चन है कि आपसे नहीं बन रहे यार। सीक्वेंस आपको अभी पहली बार में इतना तेज वहां प्रेशर रहता है एग्जाम में ना, दिमाग उतना नहीं काम करता है पहली बार में। लेकिन जैसे ही आप 50 क्वेश्चन में आपको लगेगा यार कि मेरे 35 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, तो आप इसमें भी सोच ले जाओगे, ये गारंटी मैं दे रहा हूं, 100% सोच ले जाओगे। एसएससी जेई नॉलेज से ज्यादा टाइम मैनेजमेंट का खेल है। किसी किसी को बहुत नॉलेज होता है, वो ट्रैप में फंसते हैं, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं जिसमें कैलकुलेशन होता है, 5 मिनट देते हैं और पेपर बर्बाद हो जाता है। तो आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना है, आप समझो इस बात को। ये सब मैं रीजनिंग की भी बात बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को बाद में आके आप अटेम्प्ट करो, पहले जो आपसे हो जा रहा है एक बार के देखने पर आपको पता चल जाता है यार हो जाएगा कि नहीं हमसे हो जाएगा। जीएस के लिए जो आपके 50 क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 10 से। देखो यार जीएस में क्या होता है, या तो आपको आता है या तो नहीं आता है, उसमें दोबारा विजिट करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसमें आप मतलब पहली बार में ही आप अगर रिस्क भी ले रहे हो तो पहली बार में ही आप आंसर को टिक करते चलो। बहुत ज़्यादा जीएस में निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप 25 से 30 क्वेश्चन आपको लग रहा सही है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रीजनिंग आप 45 कर सकते हो, 47 कर सकते हो, टेक्निकल आप 80 to 85 कर सकते हो, तो आप अगर 25 से 30 तक भी जा रहे हो जीएस में तो आप बहुत अच्छा है आपके लिए। तो पहली बात यही बोला कि न्यूमेरिकल के ट्रैप में नहीं फंसना है, आपको सिर्फ पहली बार में क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करना है जो एक बार देखने पर हो जाए। और अब मैं बता रहा हूं कि अब जो ये 2 दिन बचे हैं, ये जो 2 दिन बचे हैं उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, आपने एसएससी जेई का पीवाईक्यू देखा होगा, आपने मॉक दिया होगा, तो डेटा पे जो क्वेश्चन आते हैं वो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं डेटा पे। तो अभी जो आपके 2 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, सिर्फ वो डेटा तैयार करो आप। अब डेटा में जैसे क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स में आ जाओ, थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या डेटा है, जैसे आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स में जब आप प्योर सबस्टेंस आप पढ़ते हो तो क्रिटिकल पॉइंट पे क्वेश्चन बहुत पूछता है, क्रिटिकल पॉइंट पे क्वेश्चन बहुत पूछता है आपके क्रिटिकल पॉइंट पे, यहाँ पे प्रेशर पूछेगा, यहाँ पे टेम्परेचर पूछेगा, यहाँ पे स्पेस आपका कि HFG की वैल्यू क्या है ये पूछेगा, तो इन सब के डेटा की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। आपको ट्रिपल पॉइंट के सारे डेटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो ट्रिपल पॉइंट यहाँ पे बनता है, यहाँ पे प्रेशर कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है, स्पेसिफिक वैल्यूम की वैल्यू कितनी होती है, ये पता होना चाहिए, डेटा डायरेक्ट याद होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके 10 मार्क्स इंप्रूव कर देगा। अभी 2 दिन में आप अगर सिर्फ डेटा की वैल्यू एक जगह लिख के आप तैयार करोगे ना,
और नई चीज से बचो, नहीं पढ़ना है। कोई आपको दोस्त आपको फोन कर रहा है, आपको कह रहा है यार ये आता है ये पढ़ लो, नहीं, अब नई चीजें आपको नहीं पढ़नी है। आपने जितना पढ़ा है आप अपने कॉन्फिडेंस में रहो यार, कि हमने जितना पढ़ा है उससे हो जाएगा हमारा, हमको और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं अभी आपको यही बता रहा हूं, मैं आपको डेटा बता दे रहा हूं, उन टॉपिकों से आप जरूर देख लेना। जैसे क्या होता है बॉयलर के, मैं आपको बता दूं बॉयलर के क्वेश्चन जैसे आते हैं, बॉयलर से डेटा बहुत ज्यादा पूछता है। बॉयलर से इसमें क्या पूछेगा, जैसे लंकाशायर हो गया आपका, कॉर्निश हो गया, इसमें जो आपका मैक्सिमम कितना स्टीम जनरेट कर सकते हैं, इनके ट्यूब का डायमीटर कितना होता है, इनकी लेंथ कितनी होती है, इफिशियंसी कितनी होती है। आप चले जाओ अगर रैंकाइन साइकिल में, वहाँ पे इसकी मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी से कितनी जा सकती है, ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा। आप आईसी इंजन में आते हो तो आईसी इंजन में भी आपको बहुत सारे डेटा है आपको याद करने पड़ेंगे। आपका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर एसआई इंजन का कितना होता है, डीजल इंजन का कितना होता है, एक कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद एसआई इंजन का प्रेशर मैक्सिमम कितना जा सकता है, और आपके जो आईसी इंजन में मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है, ये सब डेटा आपको याद होना चाहिए। ये आपको मैं बता रहा हूँ ना, कम से कम आपके 10 से 12 मार्क्स तो आपके यहीं से बन जाएंगे। दो दिन में आप रिविजन करते रहो जो पढ़े, और डेटा की वैल्यू थोड़ा ध्यान से लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहो, आप 100% 10 मार्क आप उसमें एक्स्ट्रा कर ले जाओगे। मैंने जैसे बॉयलर बताया, थर्मोडायनेमिक्स में प्योर सबस्टेंस के डेटा है वो याद करने पड़ेंगे। नॉजल में मैंने बताया है वीडियो में, आप अभी भी जाके क्विक रिवीजन कर सकते हो, कि उसमें क्रिटिकल प्रेशर की रेशियो की वैल्यू मैंने बताया है, वहां पे एन की जो वैल्यू होती है, सुपर सैचुरेटेड, ड्राई सैचुरेटेड, इन सब की वैल्यू मैंने बताया है। तो ये सब आप जाके डेटा याद कर, ये आएगा 100% हर साल आता है। आप पीवाईक्यू लगाएंगे आपको पता हो, और वहां से आप 10 से 12 मार्क्स आप इंप्रूव कर सकते हो। आप समझो इस बात को। तो अभी सिर्फ इस दो दिन में आपको सिर्फ अपना जो अभी मॉक ऑक देना एकदम बंद कर दो, नहीं देने की जरूरत है दो दिन पूरा। आपको पता है कि आपको एक बार पूरा रिवाइज करना है, रिवाइज करते समय जो डेटा की वैल्यू है वो याद करो आप, समझ रहे हो। जैसे कभी कभी, अब मैं मशीन डिजाइन की अगर बात करूं तो उसमें सब एंगल्स ध्यान होने चाहिए, थ्रेड के स्क्वायर थ्रेड हो गया, ट्रेपोजाइडल, एक्मिक, बटरेस, इन सब के एंगल्स ध्यान होने चाहिए आपको। ये सब डायरेक्ट पूछता है यार, आपको फार्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फार्मूले में। वहां पे दो ऑप्शन देख के आपको कंफ्यूज करेगा, क्यों, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला ढंग से रिवीजन नहीं है ना, तो आप दो ऑप्शन में हमेशा कंफ्यूज रहोगे, इस तरीके के वो ऑप्शन बनाते हैं। तो अभी जो ये दो दिन है ना, पूरी एनर्जी लगा दो रिवीजन करने में। कोई दोस्त फोन कर रहा है आपको कि ये यार ये पढ़ लो ये आता, कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है किसी की भी, और कॉन्फिडेंस में रहो, एकदम जबरदस्त वाले कॉन्फिडेंस में रहो कि मुझे सब तैयार है, मैं सब कर ले जाऊंगा पेपर, इस कॉन्फिडेंस में जाओ पेपर देने। समझ रहे हो आप बात को। अभी तो सिर्फ आपको मैं यही बता रहा हूं कि अभी लास्ट दिन में सिर्फ आपके 10 से 12 मार्क्स में इंप्रूव कर रहा हूं, सिर्फ डेटा आप एक जगह लिखो उसको याद करते जाओ। बहुत सारे डेटा जैसे हाइड्रोलिक मशीन के भी आते हैं, आप जैसे स्पेसिफिक स्पीड हो गया, 100% क्वेश्चन आएगा स्पेसिफिक स्पीड से, हेड पे क्वेश्चन आएगा, डिफरेंसेस पे क्वेश्चन आएंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप में। तो एसएससी जी आप पता है, आपने जो पीवाईक्यू भी लगा होगा डेफिनेटली आपने यहां पीवाईक्यू पर टिक लगा रखा होगा, या आप शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे यार ये डेटा याद करना, उन्हीं को याद रखो यार, याद करना पड़ेगा क्योंकि आता है। तो सिर्फ आपको अभी क्या करना है, सिर्फ अपने सब्जेक्ट को सारा रिवाइज करना है, और आपको जो डेटा वाली वैल्यूज हैं उनको याद करनी है। सिर्फ दो दिन लग जाओ, तीन दिन आप जो भी बचा है, मंडे को पेपर जाओ तो आप कॉन्फिडेंस में रहो यार, किसी का फोन आ रहा मत उठाओ अभी फिलहाल। बहुत दोस्त होते हैं यार ये मैंने पढ़ लिया वो मैंने पढ़ लिया, कुछ सुनने की जरूरत है नहीं आपको। संडे की रात को आपको ये कॉन्फिडेंस में सोना, मैंने सब पढ़ा हुआ है, चाहे जो आएगा देख लेंगे पेपर,
घबराहट होती है पेपर में भी आराम से पेपर को अटेम्प्ट करना। मैंने पहले भी बताया कि दो तीन क्वेश्चन हो सकता है आपसे पहले दो तीन क्वेश्चन ही ना बने, घबराना नहीं है। क्या पता तीन चार क्वेश्चन के बाद आपके लिए ही पेपर बनाया गया है, तो घबराना नहीं है। वो दो तीन क्वेश्चन नहीं हो रहे कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते जाओ यार, आप समझ रहे हो। तो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस में रहो, सब पढ़ा है मैंने और सब होगा, पेपर अच्छा होगा मेरा। तो यही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी रिवीजन आप करते रहो, सब्जेक्ट डेटा को बार बार याद करते रहो। मैंने कुछ डेटा आपके बॉयलर जो मैंने पावर प्लांट पढ़ाए हैं, अगर फ्री टाइम हो तो उनको भी देखते रहो कि क्या क्या डेटा की वैल्यू मैंने याद कराई है। पूरा पावर प्लांट का मैंने जो वीडियो बनाया है उसके क्वेश्चन भी देखते रहो। नई चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे रिवीजन करते रहो आप, क्योंकि डिफरेंस, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंस से ही पूछ लेता है, गियर आपको एक एक पता होना चाहिए कि यार पैरेलल कौन सा है, स्ट्रेट किसमें टीथ यूज होती है, हेलिकल के क्या एडवांटेजेस हैं इस पर गियर से, वो स्टेटमेंट के फॉर्म में दे देगा आपको। तो आप जब उसको एकदम पढ़े रहोगे ना, अभी रिवीजन करो, एक बार पढ़ना है आपको, की पॉइंट्स कुछ होते हैं वो क्लिक करके आप विद इन अ सेकंड कर ले जाओ, समझ रहे हो आप। तो ये सब आपको अब रिवीजन करो, कि कोई दोस्त आपको फोन कर रहा है, फोन वो बोल रहा है यार मैंने ये पढ़ा है मैंने वो पढ़ा है, आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है। आपको वही मैं बोल रहा हूँ ना कि मंडे को अगर आपको पेपर है तो संडे को आपको इस कॉन्फिडेंस में सोना है, पूरी प्रॉपर नींद लो संडे को, यार मैंने सब पढ़ाया और मेरा पेपर सबसे अच्छा जाएगा, इस तरीके का कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। मैकेनिकल का पूरा पेपर का एनालिसिस मंडे को हम कराते हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा वो तो देखेंगे, और बाकी आप अपनी तैयारी पूरी ईमानदारी से किए होगे तो आपका 100% सिलेक्शन है। अभी टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, चिल रहने का, पेपर एकदम आराम से आपको अटेम्प्ट करना है। और मैंने बोला ना कॉन्फिडेंस, एकदम कॉन्फिडेंस में रहो कि बहुत अच्छा पेपर जाएगा। तो मिलते हैं मंडे को पेपर एनालिसिस के साथ, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।